हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ वैसे घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो पिछले दिनों घटी हैं और ये करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आशा करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा तथा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते आज के सेशन को। आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 10 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा विश्व जैव ईंधन दिवस। प्रतिवर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। सरकार ने प्रदूषणकारी पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों के स्थान पर गैर जीवाश्म ईंधनों के महत्व को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाए हैं। इसके तहत जैव ईंधनों की उपयोगिता और लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने का कार्य किया जा रहा है। जैव ईंधन जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं को विभिन्न जैविक सामग्रियों जैसे कि कृषि अपशिष्ट, मतलब जो कृषि से जो बचा जाता है, मान ले गन्ना है तो उससे जो बच गया है कचरा उससे हो गया, वृक्ष हो गया उससे जो गिरते हैं पत्ते ये सब, या और कुछ फसल हो गया, फसल में भी अभी बायोफ्यूल के लिए वैसे फसल उगाए जाएंगे जैसे कि बायोफ्यूल बने और घास से उत्पादित किया जा सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है बायोफ्यूल जब है सो उपयोग हम लोग करेंगे तो इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होती है और इससे हमारे पर्यावरण को नुकसान भी बहुत कम मात्रा में पहुँचते या तो हम उसे नेग्लिजिबल बोल सकते हैं। तो इसलिए बायोफ्यूल के महत्व को बढ़ाने के लिए इस दिन को या इस दिवस को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, RBI ने UPI के माध्यम से टैक्स भुगतान की सीमा को बढ़ाकर कितना लाख कर दिया है? इसका सही उत्तर होगा 5 लाख। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसे कि हम लोग UPI के नाम से जानते हैं, के माध्यम से आप टैक्स भुगतान 5 लाख रुपये तक कर सकते हैं। पहले ये सीमा 1 लाख रुपये थी जिसे अब बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका सही उत्तर होगा मलेशिया में। उदार शक्ति 2024 द्विपक्षीय वायु अभ्यास हाल ही में मलेशिया में आयोजित हुआ। ये अभ्यास भारतीय वायुसेना और मलेशियाई वायुसेना के बीच हुआ था, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और आपसी तालमेल को मजबूत करना था। इस अभ्यास से विभिन्न विमानों और हथियार प्रणालियों का उपयोग किया गया और दोनों देशों के वायुसेना कर्मियों ने एक दूसरे से अपने अनुभव और तकनीकी ज्ञान का साझा किया। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में शोभना रानाडे का निधन हुआ है, वो कौन थे? इसका सही उत्तर होगा वे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। शोभना रानाडे एक प्रमुख भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। वे महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित थे और उन्होंने महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। शोभना रानाडे ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय भूमिका निभाई और गांधीवादी आदर्शों के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और सामाजिक न्याय के क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान की पहली विमानन अकेडमी कहाँ शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर होगा अजमेर में। राजस्थान की पहली विमानन एकेडमी हाल ही में अजमेर ज़िले में शुरुआत की गई है। इस एकेडमी का उद्देश्य राज्य में विमानन क्षेत्र के विकास में बढ़ावा देना और युवाओं को पायलट, इंजीनियरिंग और अन्य विमानन संबंधी करियर में प्रशिक्षित करना है। ये एकेडमी राजस्थान सरकार और निजी क्षेत्र के सहयोग से स्थापित की गई है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय सेना ने कहाँ पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया? इसका सही उत्तर होगा लद्दाख में। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख क्षेत्र में पर्वत प्रहार नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में भारतीय सेना की युद्ध क्षमता को परखना और उसे और अधिक मजबूत बनाना है। पर्वत प्रहार अभ्यास में भारतीय सेना की विशेष इकाइयों ने भाग लिया और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विभिन्न युद्ध तकनीकों का अभ्यास किया। इस अभ्यास से सेना की युद्धक क्षमताओं के महत्वपूर्ण सुधार होने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 7, पेरिस ओलंपिक 2024 में अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता? इसका सही उत्तर होगा कांस्य पदक। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीता है। उन्होंने पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग में यह उपलब्धि हासिल की है।
उनके मुकाबले में उन्होंने प्यर्टे रिको के डेरियन क्रूज को 13-5 के स्कोर से हरा कर यह पदक जीता। अमन सहरावत ने पूरे मैच के दौरान आक्रामक रणनीति अपनाई जिससे उन्हें इस महत्वपूर्ण जीत तक पहुंचाया। यह पदक भारत के लिए पेरिस ओलंपिक में कुल मिलाकर 6th पदक था जो भारतीय कुश्ती में एक और महत्वपूर्ण योगदान है। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य में आर.आर. स्वैन को पूर्णकालिक DGP नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर होगा जम्मू और कश्मीर में। आर.आर. स्वैन को हाल ही में जम्मू और कश्मीर राज्य का पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है जिन्हें हम शॉर्ट में DGP कहते हैं। उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा IPS में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है और उनके पास सुरक्षा मामलों का व्यापक अनुभव भी है। उनकी नियुक्ति के बाद जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किए जाने की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 9, कामिल मदौरी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ट्यूनीशिया। कामिल मदौरी को हाल ही में ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अहमद हचानी का स्थान लिया। ट्यूनीशिया एक उत्तरी अफ्रीकी देश है जिसकी सीमा लीबिया और अल्जीरिया से लगती है। इसका राजधानी ट्यूनिस में है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में अभी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है? इसका सही उत्तर होगा बुद्धदेव भट्टाचार्य। हाल ही में पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया है। वे 80 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बुद्धदेव भट्टाचार्य मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिसे CPIM भी कहते हैं के प्रमुख नेता थे और 2000 से 2011 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी। उनके निधन से भारतीय राजनीति में एक युग का अंत हो गया है। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर से धन्यवाद।